गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्याकरण पुस्तिका में दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार, ठीक है। पेज नंबर 10 में हमने देखा था कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और अयोगवा किसे कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं, आकर ध्वनियां कौन सी है और पंचम वर्ण कौन से। और उसी के साथ साथ मैंने आपको टेबल यहाँ पे बना के दिखाया था कि स्वरों की मात्राएं कैसी होती है, मूल शब्द कौन से होती है। जब वो व्यंजन के साथ मिल जाता है स्वर, तो क्या तैयार होता है। उस दिन मैंने दिखाया था आपको टेबल बना के यहाँ पे थोड़ी मात्राओं का। इस पेज नंबर 11 में यही टेबल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 11 में क्या दिया है कि स्वर जो है उसके तीन प्रकार है, तीन रूप है। पहला है कि ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो बोलना कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जो सारे अ है, जो सारे स्वर है, वो सारे ह्रस्व स्वर में आते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है, बोलते समय दिक्कत नहीं आती। तो जो सारे स्वर है वो ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्रस्व स्वर यानी जिन्हें बोलते समय कोई रुकावट नहीं आती, आसानी से उन स्वरों को हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, यानी उच्चारण करते समय जिसे जोर ज्यादा लगता है, उसके उदाहरण यहाँ पे दिए हैं दीर्घ स्वर में आ, इसमें भी स्वर है लेकिन जब हम अ प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं तो जोर कम लगता है, लेकिन जब हम आ बोलते हैं, ये ई ई ओ, ओ, यानी ये वाले जो स्वर है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर, यानी इसमें जोर कम लगता है, इसमें जोर ज्यादा लगता है। तो ह्रस्व स्वर में केवल आ, छोटा ई, छोटा ओ, ए, ये सारे इसके उदाहरण है, ठीक है। और जिसमें स्वर ज्यादा लग रहा है, जोर ज्यादा लग रहा है, ये सारे दीर्घ स्वर के अंदर लगता है। दीर्घ यानी जोर से, जोर लगा के हम जब बोलते हैं तब इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, यानी इसके मुकाबले इसमें जोर ज्यादा लगता है। उसके बाद अंतिम वाला है पलुत स्वर। पलुत स्वर कि इन्हें उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, यानी इन दोनों के हिसाब से इसमें ज्यादा स्वर लगता है। ठीक है, पलुत स्वर यानी इन दोनों से भी ज्यादा समय इस पलुत स्वर में लगता है। वो कौन से उदाहरण है, जैसे कि हम जब उच्चारण करते हैं ओम, ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं ओम तो इसमें पलुत स्वर का ये उदाहरण है, इसमें सारे स्वर भी आते हैं और साथ में जब दीर्घ स्वर के साथ साथ हम जोर से इसे उच्चारण इसका करते हैं तो पलुत स्वर इसमें आते हैं। जब आपकी योगा मैम आपको जब योगा करवाती है आसन में नीचे बैठकर आसन के रूप में, तब जब आपको उच्चारण करने करती है, कौन सा उच्चारण करने करती है, वो क्या उच्चारण के लिए कहती है, ओम। तो ओम हम तुरंत बोलते हैं नहीं, हम लंबी सांस खींचते हैं, तो समझ जाना कि वो स्वर कौन सा है, तो बोलना पलुत स्वर का उदाहरण है ओम, ठीक है। आगे जाओ, इतना समझ में आया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है लंबा, और
कलुत्र स्वर यानी जिन्हें हस्व और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा यानी तिगुना समय लगता है, ट्रिपल जोर लगता है, उसे हम कलुत्र स्वर कहते हैं और उसका उदाहरण ओम है। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार, विषय है अनुस्वार। क्या है ये अनुस्वार, यानी इसका उच्चारण जो है वह हम नाक के द्वारा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अम, जब मैंने इसे उच्चारण किया अम तो यहाँ पे बिंदु लगता है, स्वरों में ही आता है। और इसको क्या कहते हैं, अयोर्वा, अम और अह को क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बताया था अयोर्वा, अयोर्वा स्वर कहते हैं। यस हाँ, तो ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं अनुस्वार, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से आवाज आती है, नाक पे कंपन होता है, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह बिंदु होता है, ठीक है। वहां पे बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि भंडार, मंदिर, मंगल, तो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दो। आई विल राइट हियर, आप बताइए उदाहरण। ओके, मंदिर बुक से नहीं देखना है तो इस उसे उच्चारण करो। मन अंग की मात्रा दी और बंदर, यस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनुस्वार के, यानी उन व्यंजनों के ऊपर, उन स्वरों के ऊपर जब बिंदी आती है तो इस स्वर को, इस जो चिन्ह है उसे अनुस्वार हम कहते हैं। जब इसे उच्चारण करते हैं तो हमारी नाक से आवाज आती है, ठीक है। तो इसी चिन्ह को हम अनुस्वार कहेंगे, बोलना नहीं इस चिन्ह को। Understand? अभी आइए अनुनासिक के ऊपर। नासिक यानी नाक, अनुनासिक यानी हमारा चंद्र बिंदु। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब हमारी नाक और हमारे गले से कंपन होता है, कंपन यानी हिलना, थोड़ा सा शेक होता है बोलते समय, उन वर्ड्स को बोलते समय, ठीक है। नाक और गले दोनों से होता है उनका उच्चारण, एक से नहीं बल्कि दोनों से। तो वे कौन से शब्द है, जैसे कि आंख ले लीजिए, आंख। जब मैंने आंख प्रयोग किया तो मेरे नाक और गले से कंपन हो रहा है, दोनों तरफ का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो समझ जाते हैं कि अनुनासिक होना चाहिए। चिड़िया और चांद, बिल्कुल माँ मैंने लिखा यहाँ। शब्द है, ठीक है, अनुनासिक ये शब्द है। अनुनासिक यानी हमारे नाक और हमारे गले से दोनों तरफ से एक साथ जब आवाज निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं, और उसका चिन्ह इस तरह होता है, यानी इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इसे अनुनासिक कहा जाता है, ठीक। पा भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे हायर कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए। ओके, चाहिए तो आप अपने अपने समझ के लिए आप वो वर्ड लिख सकते हो, या अपनी रफ कॉपी नोटबुक साइड में रख सकते हो, और जो मैम लिखती है, जो मैम समझाती है, आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका
विषय है नेक्स्ट विसर्ग क्या है? दो चिन्ह, ये दो चिन्ह कहाँ से आए? यहाँ से आए ये दो चिन्ह, ठीक है। जब हम स्वर लिखते हैं स्वर के अंतिम में अम और आहा जुड़ता है, यानी जब आहा हम प्रोनाउंस करते हैं तो अंत में यहाँ पे ह जुड़ता है, ह का उच्चारण होता है। वो वाले शब्द कौन से हैं? आप बोलोगे पुनः। मैं तो यहाँ पे ह नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ह के बदले दो चिन्ह दो बिंदु मैंने यहाँ लगाया, पुनः यानी बार बार, पुनः यानी। नमः, नमन करना, प्रणाम करना, ठीक है। अतः, दुख, दुख मैंने लिखा, यस 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 दुख, बिल्कुल। प्रातः यानी सुबह। तो ये सारे शब्द जो है वे संस्कृत के शब्द है, मूल शब्द, लेकिन इसे हिंदी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसी चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं, याद रखना। और इसके प्रयोग में ह सुनाई देता है, में अंत में ह सुनाई देता है, तो हमें ह नहीं लगाना। चिन्ह कौन सा लगाना है? ये वाला दो बिंदु का चिन्ह हमें यहाँ लगाना है। अंडरस्टैंड? अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक जिन शब्द, जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगता है, अनुनासिक जिनमें चंद्र बिंदु लगता है, और विसर्ग यानी जिन शब्दों के आगे दो बिंदु लगता है। ये तीन जो चिन्ह है वो आपको याद रखने हैं। Yes, did you understand this? ओके, बीच बीच में बातें मत करिए प्लीज, बीच बीच में बातें मत करिए, एंड डोंट प्रेजेंट एनीथिंग। सानवी मोरे, अंडरस्टैंड? अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आपका ग्रामर कम नहीं है, बहुत अधिक है, तो समझना है इस बात को। उसके आगे दिया है, ये जो र है दिख रहा है ब्लैकबोर्ड पे, वाला दिख रहा है र? हाँ, यस। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? बिल्कुल, ये छोटा उ की मात्रा है और ये बड़ी उ की मात्रा है ना, ये छोटा उ और ये बड़ा उ की मात्रा तो इस तरह होती है, इसे है? लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, र में हमको उ की मात्रा लगानी है बारह खड़ी लिखते समय, तो बच्चे इस तरह लिखते हैं, ये बारह खड़ी लिखते समय, ऐसा ना, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना। बारखड़ी में र रा री री रू रू, तब आप लोग ऐसे लिखते हो, बहुत लोगों से बारखड़ी देखते नहीं लिखना, तो इससे छोटी उ की मात्रा र में कैसे लगेगी वो आपको मैं अभी बताती हूँ। यहाँ मैंने र लिखा, र के साथ मैं पहले छोटी उ की मात्रा मुझे लगा ली है इस तरह, तो कैसे लगेगी र लिखना, उसमें बस ऐसे कर देना, ठीक है, र को बस इस तरह कर देना, र प्लस हु, र प्लस हु छोटा हु, यानी इस तरह से इसका चिन्ह बनाना। अगर आप इस तरह छोटी हु की मात्रा बनाओगे तो ये रॉन्ग होगा, कभी इस तरह नहीं बनाना, हमेशा र को छोटी हु की मात्रा लेनी इस तरह। यस, ये तो पहला रंग हो गया। दूसरा देखिए, वही हमने छोटी उ की मात्रा देख ली, अब हम सीखेंगे बड़ी उ की मात्रा, और र में इस तरह हलंत लगाना है, क्योंकि इस व्यंजन के साथ
मैंने लगाया बड़ा रू। इस तरह तो मेरा बड़ा वाला रू इस तरह बनेगा। इस तरह बस इसको गांठ मारना है, इस तरह इसको गांठ मारना है। ये देखिए गांठ मारा है यहाँ पे इस तरह। यही वाला गांठ उठा के इसे इस तरह लगाना है। ये मेरा छोटा होगा और ये बड़ा। रू 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 फर्क है बहुत। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम आप लोग को छोटी यू की मात्रा और लोगों बड़ी यू की मात्रा इस तरह लिखना। अगर आपको बारह खड़ी बोला जाता है लिखने के लिए तब ठीक है। हाँ जाना है। इसको आपने कैसे लिखते हैं? बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। यस क्या हम आगे चले? यस प्लीज लिख लीजिए। लिखा है इसको आप लोग ने अपनी नोटबुक में? नहीं लिखा होगा। हाँ मैंने क्या बोला? अब अपने रेफरेंस के लिए लिखते रहिए समझने के लिए। रहने दीजिए अभी आपको तैयार। आप ड्रामा सीख रहे हो तो रखना है ना अपने साथ नोटबुक। आगे देखिए नेक्स्ट विषय है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी क्या होता है? संयुक्त यानी दो व्यंजनों का मिलन मिलना। वो छोड़िए व्यंजनों को मिलना वो छोड़ दीजिए। संयुक्त का अर्थ क्या होता है वो मुझे बताएं। संयुक्त का अर्थ यानी जोड़ना। संयुक्त का अर्थ यानी जोड़ना, दो चीज को आपस में जोड़ना। अब किन चीजों को जोड़ोगे? किन चीजों को जोड़ोगे? क्योंकि स्वर को तो हम लोग जोड़ते नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है। तो बचा कौन? व्यंजन बचा। क्योंकि व्यंजन ही अकेला ऐसा है जिसे स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो वाले संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्योंकि जब हम कड़ी हाँ सुनो सुनो सुने का प्लस मैंने सुनो यहाँ पे प्लीज सुनो प्लीज सुनिए मैं जो बोल रही हूँ। तो यहाँ मैंने क के नीचे हलंत लगा के अ लिखा तो मेरा ये वाला व्यंजन इस तरह तैयार हुआ। ये व्यंजन है और ये स्वर है। इस व्यंजन को इस स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है तभी जाके ये व्यंजन कंप्लीट होता है। यस लेकिन ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनमें ये संयुक्त व्यंजन आते हैं? तो क्या बोलोगे आप तो? क्ष त्र ज्ञ और ये हमारा श्र। ये चार ही ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इनके पीछे दो दो हाथ हैं, दो दो पार्टनर्स हैं इनके, तभी जाके ये संयुक्त व्यंजन कंप्लीट होते हैं। तो वो दो हाथ कौन से हैं? तो बोलना क प्लस षटकोण श। क प्लस षटकोण श इसके दो हाथ हैं। भाई ये त्र से त्रिशूल है, इस त्र से त्रिशूल के साथ जुड़ रहा है त प्लस र। त प्लस र नेक्स्ट आ गया डियर प्लस। यस बिल्कुल ज प्लस न लिखा अपने से यानी ये क्या है? श्र से श्रवण। यस श प्लस र। तो हर एक के साथ दो दो हाथ है। एक दो एक दो एक दो 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 व्यंजन इन्हीं के साथ है इसीलिए ये सबसे बड़े हैं। उन व्यंजनों से भी ये बड़े हैं क्योंकि उनके साथ दो दो व्यंजन हैं। ऐसे शक्तिशाली है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? हाँ त प्लस र। और कैसे जुड़ेगा इधर का? और कैसे जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा चाहे तो इसके साथ जुड़ेगा। र के आगे
कृष्णा के आगे कृष्णा के आगे, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ लत जुड़ा है यहाँ पे, यानी ये व्यंजन इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहाँ प्लस लगाया है, अगला व्यंजन लिखा है। ओके आगे चलो, अंडरस्टैंड ना, संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों को आपस में जोड़ना, ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इन व्यंजनों के साथ दो दो व्यंजन इनके साथ है तब जाके ये व्यंजन कंप्लीट होते हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वि द्वि का अर्थ है दो, जब दो बार उस चीज जो चीज रिपीट होती है दोहराया जाता है तो इसीलिए इसको द्वि कहते हैं, द्वि यानी दो, और द्वि जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है एक द्वि, द्वि यानी दो, तो जो दो व्यंजन है वो रिपीट होते हैं बार बार, यानी एक से दो दो बार जब रिपीट होता है तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में उसको क्या कहेंगे, जब दो या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो वो व्यंजन जो है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल त दिया है, ठीक है। अब ये त के नीचे हलन है लेकिन इसके साथ स्वर जुड़ा है, क्या यहाँ पे स्वर जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? आधा त लिखूंगी क्योंकि इसके साथ स्वर तो है ही नहीं भाई, स्वर तो है ही नहीं, और ये वाला त मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूंगी, यस आधा त और पूरा त। तो इसलिए इसी द्वितीय व्यंजन से हमें यहाँ पे शब्द बनाना है। तो बिना बुक में देखे आप बता सकते हो कि इससे क्या शब्द बनेगा? आधा तो से बिल्कुल पत्ता गत्ता तत्व, ओके तत्व सत्ता, ठीक है। तो मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि जो द्वितीय व्यंजन यानी दो व्यंजन बराबर होते हैं, सेम व्यंजन है लेकिन पहले व्यंजन के नीचे हलंत रहता है, उसके साथ स्वर नहीं रहता, इसीलिए हम उस व्यंजन को हम आधा लिखते हैं। अगर इसके नीचे हलंत ना हो तो वो व्यंजन पूरा है, लेकिन हलंत है तो वो व्यंजन इनकम्प्लीट है। ओके दूसरा देखते हैं, चलिए बिना बुक में देखिए क्या लिखूंगी मैं यहाँ, यहाँ मैं क्या लिखूंगी? पूरा था, पूरा मैं लिखूंगी इसको कहते हैं खड़ी पाई, जो भी लाइन जो भी व्यंजन कहते हैं खड़ी वाली उसको कहते हैं खड़ी पाई। अब मैं इससे शब्द बनाऊंगी, जैसे क्या बनाऊंगी शब्द? अम्मा यानी माँ, मम्मी वहां पे लिखा हुआ है। ओके चम्मच, बिल्कुल। तो ये इस तरह मैं शब्द बनाऊंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स लिखा, स के नीचे हलंत डाला और यहाँ पे मैंने स लिखा, तो
यहाँ क्या लिखूंगी मैं, आधा सौ। यस, आधा सौ और ये पूरा सौ मैं यहाँ लिखूंगी, आधा सौ और पूरा सौ। बिल्कुल रस्सी, ओके बिल्कुल। डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट। लस्सी, अस्सी, अस्सी। ओके गुस्सा, वेरी नाइस। सुस्ती, सुस्ती हम लिख सकते हैं, सुस्ती लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे अंत में त जुड़ रहा है, हम नहीं लिख सकते, इसलिए आधा स और पूरा स आना चाहिए। हाँ, आई रोट हियर, गुस्सा मैंने लिखा है यहाँ पे, आई रोट हियर। सस्ता, सस्ता नहीं लिख सकते श्रेयस, सस्ता वर्ड नहीं लिख सकते, व्हाई? बिकॉज़ सस्ता नहीं लिख सकते, व्हाई? इसमें आधा सौ है और तो है, तो हम तो यहाँ तो द्वितीय व्यंजन सीख रहे हैं, ये अलग व्यंजन है, ये अलग व्यंजन है, हम नहीं लिख सकते दिस वन। यस, आई रोट हियर, गुस्सा वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। यस यस, आई रोट बेटा, आई रोट। यस, तो मैंने यहाँ पे तीन उदाहरण बताए, बस स्टॉप प्लीज, मैंने यहाँ पे तीन उदाहरण बताए, ट का, ना का और स का, यानी जो पहला व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत होता है, यानी उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा होता, और दूसरा जो व्यंजन है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे आधा व्यंजन लिखते हैं, क्योंकि उसके साथ स्वर नहीं होता और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, और दोनों भी व्यंजन समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये भी त, ये भी त, ये आधा म पूरा म, आधा स पूरा स, जैसे स और म, ये तो अलग हो गया, इसको हम द्वितीय व्यंजन नहीं कहेंगे, वो अलग है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। तो जितना मैंने आपको अभी बताया द्वितीय व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन, प्रलुप्त स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार, did you understand? एक मिनट, जो अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वेट।